हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो स्टफ ऑमलेट। ये एक बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा कर मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखिए। टोमेटो स्टफ ऑमलेट बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसके लिए हम लेंगे स्लाइस करे हुए टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और आधी छोटी सी प्याज जिसको हमने चौकोर काटा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस ऑमलेट को बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। हमें कम से कम 3 से 4 अंडे इसको बनाने के लिए चाहिए। मैंने येलो पार्ट अलग कर लिया है और वाइट अलग कर लिया है। येलो पार्ट अलग करने के लिए अंडों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, इससे जो येलो पार्ट होता है वो इजीली अलग हो जाता है। सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बाहर रखे रहते हैं अंडे तो भी येलो पार्ट इजीली अलग हो जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है। तो उसके लिए आप अंडों को फ्रिज में रखिए, इससे जब आप येलो पार्ट अलग करेंगे तो वो इजीली अलग हो जाएगा। आप चाहे तो येलो पार्ट के साथ भी ऑमलेट को बना सकते हैं। येलो पार्ट के साथ में कम से कम आपको 2 से 3 अंडे चाहिए। अब देखिए, हमने थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसको हम फोक की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़े बड़े बर्तन में फोक से अगर हम बीट करते हैं तो बहुत अच्छे से ये बीट हो जाता है। येलो पार्ट अलग करने से इनको बीट करना ईजी हो जाता है। आप चाहे तो येलो पार्ट को अलग से बीट करके तब इसमें मिक्स कर लीजिए। यहाँ हमने फोक से अंडों को बीट किया है क्योंकि फोक से अंडे हमेशा अच्छे बीट होते हैं और फ्लफी हो जाते हैं। इनको बीट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप जितना अच्छे से बीट करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से इसको बीट किया है, इसमें कितने अच्छे से एयर आ गई है, ये पूरी तरह से फ्लफी हो गया है। अब हम यहाँ पर मीडियम साइज़ का नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो मक्खन में बना सकते हैं। अगर आप मक्खन खाते हैं तो आप मक्खन में बनाइए, क्योंकि अंडों का कॉम्बिनेशन मक्खन के साथ बहुत अच्छा होता है। और अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें आधा अंडे का मिक्सचर डाल दूंगी। इसको हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। अब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो मैं इसमें एक लेयर जो टमाटर है स्लाइस करे वो लगा दूंगी। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक लेयर हरी मिर्च की, फिर अदरक की, और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। आप उसको फिर थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दूंगी, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है वो इस पर डाल दूंगी मैं। हमें इतना मटेरियल बचा कर रखना है कि जिससे जो हमारे टमाटर है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। इसके बाद मैं फोक की मदद से सारा मटेरियल चारों तरफ फैला दूंगी। हमें इसे पूरी तरह से कवर कर देना है और फिर इसको ढककर पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अंडों को ढककर पकाया है। अंडों को ढककर पकाने से उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, थोड़ा पक जाती है, जिससे उसको पलटने में इजी रहता है। वो इजीली आप पलट सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कुछ इस तरह का हो गया है। अब मैं इसे पलट लूँगी। इसको देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना अच्छे से सिका हुआ है और कितना फ्लफी हो गया है। ये बिल्कुल इवनली सिका हुआ है। अब इसे हम दोबारा से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए ये कितना शानदार लग रहा है देखने में। ये देखने में जितना शानदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा शानदार है। ये हमारा टमाटो स्टफ ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखें। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है। अब जो हमारा गर्मा गर्म टमाटो स्टफ ऑमलेट है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे काली मिर्च से गार्निश करके सर्व करूँगी। आप इसको मक्खन और ब्रेड के साथ खाइए और इंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी डिश हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई डिश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।